जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, आप सब लोग हर वाफिस होंगे। लेकिन यार आपका भाई ना खुश है ना हर वाफिस है, क्योंकि यार कल मामा पार्टनर की तबीयत खराब हो गई है और आज आपके भाई की तबीयत खराब हो गई है। यार मैं समझ नहीं आ रही है, शादी सर पे है, मामा भी बीमार पड़ गई है, आपका भाई भी बीमार हो गया है। अब समझ नहीं आ रही कि कल हम शादी किस तरह अटेंड करें। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग दुआ करें, कमेंट में आमीन कहें कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे पार्टनर को जल्द से याब करे। अचानक ही यार बैठे बैठे बुखार चढ़ गया आपके भाई को, सुबह उठो मैं सुबह वही मामा पार्टनर वाली कंडीशन हुई है मेरे साथ। पहले मेरा गला खराब हुआ है, थोड़ी देर बाद मुझे बुखार चढ़ गया, मैं कहा खैर अभी उतर जाएगा बुखार, लेकिन वो भाई साहब को ऐसे ही इतना प्यार ही हो गया मेरे से। खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जल्द से याब करें और ताकि हम खुशी खुशी शादी अटेंड करें और साथ आप लोगों को भी शादी में इन्वॉल्व करें। खैर यहीं से करते हैं मेरे ब्लॉग की शुरुआत। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हारिस पार्टनर ब्लॉग। मामा आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है। क्या हाल है मेरी फैमिली, दुआ की थी मेरे लिए, कल मेरी भतीजी की शादी है तो मैं अभी तक ठीक नहीं हुई, लेकिन मेडिसिन वगैरह मैंने खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी अब बेहतर हुई तो किचन में आ गई, मैंने कहा किचन नीट क्लीन कर लू, अब बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है। लेकिन ना मुझे आपकी आवाज से लग नहीं रहा मेडिसिन आपने खाई भी है कि बस हमारे साथ ही आप लगी हुई। नाश्ते के बाद खाई है मेडिसिन। अच्छा तो अब आप कैसा फील कर रही हैं? सर की दर्द हो जाएगी। चलो वो भी चली जाएगी। कितना टाइम हुआ मेडिसिन खाए हुए? चलो यार कोई बात नहीं, भी घंटा हो गया मेडिसिन खाए हुए, तकरीबन एक या दो घंटे का टाइम होता है मेडिसिन डिजॉल्व होने में, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। तो आपकी तैयारी मुकम्मल हुई है? नहीं, क्या रह गया बाकी? अच्छा सही है। तो मामा देखो कल शादी है तो अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस तरह तो काम खराब हो जाएगा। कल कोई सीन भी है जाने का कि क्या करना है? ना गई तो पता फिर तुझे फोन पे शुरू हो जाने। ये बात तो है। तो ना गई तो जाना तो बंद ही है। ये तो है कि बस एक दो घंटे की शॉपिंग है वो करके फिर कल रेडी हो जाएंगे। चलो ठीक है, मेरे तो यार शॉपिंग कंप्लीट हो गई है तकरीबन, और बस आज आपके भाई की अपॉइंटमेंट थी सलून, तो जी भाई की तबीयत खराब हो गई है, मैंने जाना था बट मैंने कैंसिल कर दिया। खैर अब कल फ्राइडे है, इंशाल्लाह कल सलून जाते हैं, वहाँ पे भी आपको मिलूंगा। उसके अलावा थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह यूज करता हूँ, दुआ करो कि आपका भाई भी जल्द से है याब हो, क्योंकि आपके भाई ने भी ब्लॉग बनाना है, आप लोगों को एंजॉय नहीं करवानी शादी, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला जल्द मुझे और मामा पार्टनर को से ही याब करें, ताकि हम लोग आगे शादी अच्छे से एंजॉय कर सकें और साथ साथ आपको भी अपनी शादी का हिसाब बनाए। और कुछ कहना मामा आपने? क्या? और कुछ कहना? नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं है, अभी उनका मूड नहीं है, समझा करो, वो कर देंगे इंशाल्लाह, एक टाइम आएगा कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी, इसके लिए आप परेशान ना हो। अच्छा दूसरा ना मुझे एक यार उड़ती उड़ती खबर आई है कि ना ये मामा पार्टनर एक लौती बहन वो प्लानिंग कर रहे हैं मेरे साथ प्रैंक करने की। तो यार आज इन लोगों का ना 110% मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ इन लोगों का प्लान है मेरे साथ प्रैंक करने का, लेकिन वो खुद भी मार पड़ गई हैं जब उन्होंने देखा कि मैं खुद भी मार हो गया हूँ, तो हमारा प्रैंक थोड़ा फ्लॉप हो गया है। वैसे आप थोड़ा हिंट देंगी कि प्रैंक किस टाइप का था? तो फिर तो चौकस हो जाए। इसका मतलब अगर आपकी तबीयत सही होती तो आज तो मैंने आप लोगों की दाढ़ नीचे आ जाना था। थोड़ा बहुत हिंट दे दो। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है कि यार कमिंग व्लॉग्स तो हमारे शादी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये जो माँ बेटियों की प्लानिंग है वो फिर आप लोगों को पता चलेगी कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या प्रैंक करना है। वैसे मैं आपस की बात बताऊँ मामा,
मेरा भी पता क्या माइंड था कि मैं आप लोगों का प्रैंक करूं कि यार मैं बीमार हो गया, इतना नहीं पता कि प्रैंक अभी किया नहीं है तो अल्लाह की तरफ से बीमार हो गया। हाँ, इससे बेहतर ये नहीं था कि यार उस टाइम अल्लाह से कुछ और मांग लेता, वो भी कबूल हो जानी थी। अल्लाह से ना हर वक्त ना चीज की ये तो है, जब भी मांगो उसे अच्छा ही मांगो। सही, आमीन। सेहत है तो यार जिंदगी है, बिल्कुल। सेहत नहीं है, आप नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज आ रहा है। आवाज आने के साथ ही सारे काम हो रहे हैं, बाजार जा रहे, किचन देखा जा रहा है, वो ही तबीयत सेट हो तो ये 10 मिनट का काम नहीं है। ऐसे ही है लिटरली यार, आप लोग यकीन करो मेरा इतना सा भी होना आज ब्लॉगिंग करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट मामा की रिक्वेस्ट से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो मामा ने कहा कि यार एक दो डोसेस ले लो, उसके बाद अगर बेहतर होता तो कर लो आप, अदरवाइज फिर जाने दो। लेकिन फिर यार जाहिर सी बात है, आप लोग हमारी फैमिली है, आपको भी हर बात से अपडेट रखना होता है। सो प्लीज अभी के लिए तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और मेरी मामा पार्टनर को जल्द से जल्द याद करे, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी हमारी शादी पे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके वो भी सब्सक्राइब कर दें। कुछ कहना आपने, खुदा हाफिज कह दो। हाँ बच्चों, दुआ में शामिल करना, ठीक है, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक सबके नेक नसीब। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज।